पिछले 2 हफ्तों में चांदीपुरा वायरस की वजह से तकरीबन 16 बच्चों की मौत होने की अनुमान लगाया जाता है। इसका वजह है मक्खी जिसका नाम है, जिसको बोलते हैं सैंड फ्लाई। इस वीडियो में हम मालूम करेंगे कि ये मक्खियाँ कैसे पैदा होती हैं और किस जगह से आती हैं और इसकी तादाद कैसे ज्यादा हुई। तो आइए आगे वीडियो देखते हैं। बीमारी एक खास किस्म की मक्खी से फैलती है जिसे सैंड फ्लाई कहते हैं। आखिर वो क्या कारण है जिनसे ये बीमारी फैलती है और अगर ये मक्खी काट ले तो क्या होता है और ये पैदा कहाँ होते हैं, इस वीडियो में हम आपको ये सब बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि आखिर ये फैलता कैसे है। चांदीपुरा वायरस एक वेक्टर जनित बीमारी है जो सैंड फ्लाई के द्वारा फैलती है। ये मक्खियाँ उन कच्चे पक्के मकानों की दरारों में रहते हैं जो मिट्टी और गोबर से लीपे पोते हुए होते हैं। आमतौर से ये संक्रामक मक्खियाँ घर के अंदरूनी हिस्सों में पैदा होते हैं। नमी इन कीड़ों के लिए सबसे अनुकूल माहौल होता है जहाँ ये पैदा हो सकते हैं। ये सैंड फ्लाई अंडे देते हैं जो बड़े होकर व्यस्क मक्खी का रूप ले लेते हैं। ये मक्खियाँ इतनी छोटी होती हैं कि नंगी आँखों से दिखने वाली मक्खी के मुकाबले इनका आकार 4 गुना कम होता है। जून से लेकर अक्टूबर के महीने के बीच चांदीपुरा वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि किस वातावरण में ये वायरस सबसे ज्यादा पैदा होते हैं। हिम्मतनगर सिविल अस्पताल के बाल चिकित्सा विभाग प्रमुख डॉक्टर आशीष जैन ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, चांदीपुरा वायरस सैंड फ्लाई और मच्छर दोनों से फैलते हैं। ये मक्खियाँ उन घरों की दीवारों में आई दरारों में नजर आती हैं जो मिट्टी या गोबर से पुती हुई होती हैं। गंदे इलाकों में बने घरों की दीवारों में आई दरारों में भी ये मक्खियाँ मिलती हैं। जिन कमरों में हवा और सूरज की रोशनी नहीं आती वहाँ पर ये मक्खियाँ पैदा होती हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये कोई संक्रामक रोग है? ये संक्रामक रोग नहीं है। अगर किसी एक बच्चे को ये होता है तो किसी दूसरे बच्चे में इससे नहीं फैलेगा। हालांकि अगर ये सैंड फ्लाई किसी संक्रमित बच्चे को काटने के बाद किसी स्वस्थ बच्चे को काटता है तो ये हो सकता है कि वो स्वस्थ बच्चा बीमार पड़ जाए। इस बीमारी की गंभीरता पर बात करते हुए डॉक्टर आशीष जैन ने कहा, इस बीमारी से जान गंवाने वाले बच्चों की दर करीब 85% है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 बच्चों को ये बीमारी होती है तो 15 ही बचाए जा सकते हैं। आमतौर से इस बीमारी की चपेट में 14 साल तक के बच्चे ही आते हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। अब आपको ये बता देते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या है। आमतौर से इस बीमारी के लक्षण कुछ इस प्रकार है, तेज बुखार, दस्त, उल्टी आना, जब्ती, नींद न आना और बेहोशी, और कुछ घंटों के बाद संक्रमित बच्चा कोमा में भी जा सकता है। चांदीपुरा वायरस से इन लक्षणों के अलावा चमड़ी पर धब्बे भी पड़ जाते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस वायरस से होने वाली बीमारी का फिलहाल कोई इलाज नहीं है, केवल लक्षणों का ही इलाज हो पा रहा है और अभी तक इसके लिए वैक्सीन भी नहीं बनी है। अब आप ये समझिए कि इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। घरों और आसपास के इलाके में साफ सफाई रखें, कूड़ा कचरा दूर रखें, दीवारों में आई दरार और छोटे गड्ढों को जल्द से जल्द ठीक करें, कमरे के अंदर सूरज की रोशनी लाने का प्रबंध करें, बच्चों को मच्छरदानी में सुलाने का प्रबंध करें, अगर हो सके तो बच्चों को धूल में खुले में खेलने से रोकें, कहीं भी पानी जमा न होने दें, कहीं भी मच्छर या मक्खियों को पैदा होने से रोकें। अगर इनमें से कोई भी लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत बचने के लिए हमें अपना घर सफाई रखना चाहिए, क्लीन करना चाहिए डेली सुबह शाम, और कोई भी चीज गिर जाए तो उसको सफाई करना चाहिए और बच्चों को बचा के रखना चाहिए। बाहर धूल में मिट्टी में खेलने से बचाना चाहिए और बच्चों को सोने के टाइम में मच्छरदानी लगाना चाहिए। ये वायरस छोटे बच्चे से यानी 1 दिन के बच्चे से लेकर 14 साल के बच्चे तक ये असर करता है। ये बच्चे के बॉडी के कैपेसिटी के हिसाब से यानी 14 साल की उम्र तक ये बताया गया है कि 14 साल की उम्र तक ये अटैक कर सकता है ये मक्खियाँ। यानी ये किसी बच्चे को अगर हो गया तो उस बच्चे से दूसरे बच्चे तक नहीं फैलेगा, लेकिन अगर वो मक्खी दूसरे बच्चे को काटी और फिर वही मक्खी दूसरे किसी को दूसरे बच्चे को काटेगी तो इससे अनुमान लगा सकता है कि हो सकता है, लेकिन एक बच्चे के दूसरे के साथ बच्चा रहेगा तो उससे नहीं होगा। तो अपने बच्चों को हम बचा के रखें और सफाई रखें और बाहर धूल धक्कर से बचाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये लोगों तक मालूम है, बच्चे इस बीमारी से बचें, ताकि इसका कोई अभी इलाज मालूम नहीं हुआ है,
कोई भी इलाज नहीं, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवा नहीं है इसके लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे फॉलो करें।